क्वेश्चन नंबर 9, सेम हैंड आउट का, आपके पास हैंड आउट है ना, उसका सवाल नंबर 9। ठीक है भाई, है सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ्स, 3 महीने बाद अमाउंट ड्यू है, ठीक है, सही है। यानी कि ये 20,000 क्या चीज है, प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? मतलब फ्यूचर वैल्यू है ना, 3 महीने बाद इतना अमाउंट देना है, एंड अमाउंट ऑफ 20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स यानी कि कितने साल हुए? 3 महीने, 3 साल हुए, सही है भाई। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, इट इंक्लूड सिंपल इंटरेस्ट एट 8%। तो भाई एस इज इक्वल टू पी 1 + RT, 20,000 इज इक्वल टू पी 1 + 8% इंटू 3/12। बताओ पी कितना आएगा? ठीक है भाई, पहला पार्ट कोई मसला? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 का ए कर लिया, बी करने से पहले, क्योंकि बी बहुत टाइम लेगा, हम पहले सी कर लेते हैं। सी में लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक टू डबल इटसेल्फ। एज्यूम कर लो कि आज जो पॉपुलेशन है वो एक्स है, कितने सालों बाद ये 2x हो जाएगा? अगर आई 3% है, कितने सालों बाद, यानी कि एन पूछ रहा, तो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i/n, 2x इज इक्वल्स टू एक्स 1 + 3% / n, एक्स एक्स कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू 1.03 n, और अब कैलकुलेटर पर इसको पुट इन कर n ढूंढ लो। n है 1.9417 जी। मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग नए सिलेबस में है नहीं, तो कैलकुलेटर पर ही कर लो। कितना है, 20? सही है, कैलकुलेटर पर इक्वेशन टाइप कर ही सॉल्व करो क्या? अबे भाई ऐसा नहीं होता यार, पावर में अगर n है तो 1.03 लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड नहीं हो सकता। फिर तू बता इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया, ये दोनों सेम नहीं है? सवाल सेम है नहीं है ना, तुम ये सॉल्व कर रहे हो, ये होता ना तो लेफ्ट साइड पर जाता तो डिवाइड होता। कैलकुलेटर पर इक्वेशन पुट इन करना सिखाया ना, कैलकुलेटर पर इक्वेशन पुट इन करो, सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी अब आता है, उसको करते हैं पार्ट बी। अच्छा जी, पार्ट बी में दोबारा से मेरे ख्याल में पेस्ट कर दूं साफ साफ जगह पर। चलो जी देखो जरा इसको, अमीन डिपॉजिटेड रुपीज 25,000 एवरी 6 मंथ्स इन अ फंड अर्निंग इंटरेस्ट एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अमीन डिपॉजिटेड रुपीज 25,000 एवरी 6 मंथ्स इन अ फंड। अमीन एक फंड में 25,000 रुपये हर 6 महीने पे जमा करता है और वहाँ से उसको 6% का कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। द फर्स्ट डिपॉजिट वॉज मेड वेन ही वॉज 48 ईयर्स ऑफ एज।
जब ये 48 इयर्स का था तब इसने पहली बार जो है वो 25,000 रुपये का डिपॉजिट करा था। एंड द लास्ट डिपॉजिट वॉज मेड व्हेन ही वॉज 55 इयर्स ऑफ एज। यहां पर इसने आखिरी बार डिपॉजिट करा था। इसके बीच में क्या हो रहा है, हर 6 महीने पर डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हर 6 महीने पर डिपॉजिट हो रहा। कितने डिपॉजिट्स होंगे तकरीबन वाला कौन है, तकरीबन वाला कौन है, क्या नाम है तुम्हारा, एग्जैक्ट बताओ। 16 होंगे, 16 होंगे, हाँ 16 है। क्या नाम है तुम्हारा, एहसन। 48 उंगली निकालो, यूं करो, हाँ फिर 48, फिर अगले डिपॉजिट कब होगा, हाँ फिर गिनो आगे करो, हाँ। गिनने दो ना इसको, कितने हुए, 15। तुमने पहले कितने बोले थे, 15। तुम मंजिला बताओ क्या आंसर है, कितनी डिपॉजिट करे इसने, निकालो हाथ निकालो, हाँ नहीं क्या हो क्या, क्या कितने हैं, 15। तुम बताओ कितने हैं, क्या नाम है तुम्हारा, ड्राई फ्रूट नाम बताओ ना, फरजाद, फरजाद बताओ। अभी अभी वो सब बता रहे तो चिल्ला रहा था, 16 16, 17 17, 14 14, 15 15। आप बोल ना, 16 है तो गिन, चल स्टार्ट कर जोर से, जोर से, जोर से, हाँ 48.5, 48 ना पहला, 48 सही है, फिर आगे, कितने हुए, 15। खिजर कितने हैं, कितने हैं, 15 है ना, सही है, तुम बताओ 15, तुम बताओ 13, हाँ 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 गिनना जल्दी जल्दी गिनना भाई, 15 हुए, हाँ तुम बताओ 15, तुम बताओ 15, 15 नहीं है, हाँ तुम बताओ 16, गिनो चलो जल्दी गिनो, पूरी क्लास के सामने गिनो, हाँ 48.5, 49, 49.5, हाँ 50, 50.5, 51, 51.5, 52, 53, 52.5, 53, 53.5, 54, 54.5, कितने में, 15 15 है भाई, 15 है, 48, 48.5, सुनो 48 है, 48.5 है, फिर 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 52.5, 51, 51.5, 52, 52.5, 53, 53.5, 54, 54.5 और 55। मसला क्या है इसमें, 15 है ना, फॉर्मूला क्या है यार, अल्लाह के बंदे दिमाग यूज कर, देख सुन जरा, 48 से लेकर देखो 48, 49, सुनो 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है ना, 55 को हटा दो, 55 पूरा नहीं है ना, बाकी 7 बचे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर साल में 2 बार, अब 55 पे एक ही बार है ना, 55.5 नहीं है ना,
तुम लोग फास्ट ट्रैक के लिए आए हो क्या? ओ इतना तो करो यार, ये तो मतलब ये तो किसी सिलेबस में भी नहीं है। एक बंदा 48 की उम्र से लेकर 55 की उम्र तक 6-6 महीने पे पैसे जमा कर रहा है, कितनी बात है। ये नहीं हो रहे तुमसे। हाँ तुम वही ड्राई फ्रूट प्लेट सही होनी चाहिए। हाँ वो वाले काम करना तुम। बिजनेस कर रहे थे तुम? हाँ सही है ना। अच्छा आगे बोलते हैं, एंड एट द टाइम द इंटायर अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन अनदर फंड। यहाँ से इसने पैसा निकाला और सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? इन अनदर फंड विच यील्डेड 8% पर एनम। हाउ मच अमाउंट विल ही हैव इन द फंड व्हेन ही रिटायर्स एट द एज ऑफ 60। अच्छा अब देखो यहाँ पर 48 से पहले क्या आएगा? 47.5। यहाँ पर 47.5 पे इसने पैसे जमा करे नहीं करे? 47.5 से 48 टाइम पीरियड एनुइटी ड्यू का अगर हम लगाते ना और हम 48 से स्टार्ट करते तो 55.5 पे पहुंच जाते, क्योंकि एनुइटी ड्यू का फॉर्मूला आखिरी आर से एक टाइम पीरियड बाद वाली एस की वैल्यू बताता है। इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है 55 से, तो हमने क्या किया? हमने बोला यार 47.5 का भी तो ये हुआ होगा, तब कितने पैसे जमा करवाए? कुछ भी नहीं। तो 47.5 से 48 एक टाइम पीरियड, फिर आर, फिर 48 से 48.5 टाइम पीरियड 48.5 पर आर, फिर 48.5 से 49 टाइम पीरियड 49 पर आर। तो इस तरह से अगर आप करोगे और आप ऑर्डिनरी एनुइटी की फ्यूचर वैल्यू का पहले फॉर्मूला लगा दो तो आप क्या करोगे? एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई, एक मिनट रुक जाना, 1 प्लस आई, आई कितना है? 6% कंपाउंडेड सेम एनुअली 2 से डिवाइड होगा, पावर में कितना आएगा? 15 माइनस 1 अपॉन 6% ओवर 2। ऑर्डिनरी एनुइटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर मैं पहले साल नंबर 55 पर पहुंच जाता हूं। ठीक है जी, करना है इसको सॉल्व। क्या आ रहा है भाई? 4649 72.85। सबका ये आंसर आ रहा है? अभी हम 55 पर पहुंचे हैं। अगर हम यहां पर 55 पर पहुंच गए, हमें 60 पर जाना है, तो अब इस अमाउंट को नॉर्मल एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन से आगे ले जाते हैं 5 साल। कितने परसेंट पर? कितना आएगा? सिक्स एट थ्री वन नाइन सेवन। अब बताओ इस सवाल में कोई मसला? क्लियर है अब? हाँ अब तो क्लियर है ना। पहले साल का स्टार्ट होता है ना।